हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रवीण लड्डा, टीम सीएलसी फिजिक्स, आपका इस सेशन में स्वागत करता हूं। बच्चों देखो, इसे मिड सेशन टेस्ट सीरीज फॉर नीट 2022, ये हमारा जो है 6 नंबर टेस्ट है आउट ऑफ 8। इसका जो सिलेबस है वो है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, SEN EMW। आपका ये टेस्ट पेपर, मैं उम्मीद करता हूं आपने अच्छा ही किया होगा, बहुत अच्छे से आपने ये अटेम्प्ट किए होंगे। तो आइए हम इनको क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ए लेंथ एल ऑफ वायर कैरीज ए स्टेडी करंट आई, इट इज बेंट फर्स्ट टू फॉर्म ए सर्कुलर प्लेन कॉइल ऑफ 1 टर्न, द सेम लेंथ इज नाउ बेंट मोर शार्पली टू गिव ए डबल लूप ऑफ स्मॉलर रेडियस, the magnetic field at the center caused by this same current is, options a quarter of its first value, unchanged 4 times of its first value, a half of its first value। तो भाई यहां पर आपको जो वायर है उससे आपने एक लूप बनाया है, तो ये लूप है आपका जिसकी रेडियस है r। अब आपने क्या किया, इसको खोला, इस वायर को खोला और इसको डबल लूप में कन्वर्ट कर दिया, ये दो लूप बना दिया। तो जो दो लूप बनेंगे उसकी रेडियस क्या होगी, डिफरेंट होगी, वो आर डैश होगी, वो रेडियस आपकी कम हो जाएगी। तो आपसे पूछा है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एट दिस सेंटर, तो पहले वाले के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर पे वो है म्यू नॉट आई अपॉन 2 R, नंबर ऑफ टर्न्स 1 है। अब आपके जो है इस केस में जो है बी डैश वो कितना होगा, म्यू नॉट करंट वोई अपॉन 2 R डैश। अब R डैश की वैल्यू कितनी होगी, तो लेंथ तो सेम है, तो ये आपके 2 πr, इसकी जो लेंथ है वो इसके 2 × 2 πr' हो जाएगा। यहाँ दो वायर है तो 2 से ऑलरेडी मल्टीप्लाई होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स, दो लूप है तो नंबर ऑफ टर्न्स आपके हो गए 2। R डैश की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, सोल्व करते हैं तो जो B डैश आएगा वो आपका कितना आ जाएगा, 4 times आ जाएगा इनिशियल का। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 times ऑफ इट्स फर्स्ट वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए कॉपर रोड कैरीज ए डायरेक्ट करंट, द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द करंट विल बी। आपको एक कॉपर रोड गिवन है, ये सपोज करो एक कॉपर रोड है। अब यहां पर इस कॉपर रोड की कोई थिकनेस है, ये कॉपर रोड है, इसकी कोई थिकनेस है, तो आपको पूछा है इसके अंदर कोई डायरेक्ट करंट फ्लो हो रहा है तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा। अब ऑप्शंस हैं, ओनली इनसाइड द रोड, आउटसाइड द रोड, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। तो ये थिकनेस है इसकी, तो यहां पर सेंटर से लेके इसकी सरफेस तक और बाहर तक जो होता है मैग्नेटिक फील्ड होता है एज पर एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन 3, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्ट्रेट सेक्शन पी क्यू ऑफ ए सर्किट लाइज अलोंग द एक्स एक्सिस फ्रॉम एक्स इक्वल्स टू -a/2 x = a/2 एंड कैरीज ए स्टेडी करंट आई, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सेक्शन पी क्यू एट ए पॉइंट x = +a विल बी। तो देखिए, आपको यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक स्ट्रेट वायर है, ये यहां पर आपको ओरिजिन ले लिया x = 0, ये आपका -a/2, ये +a/2। तो आपको पूछा है यहां पर x = +a पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो हमें पता है यहां पर 0 होगा क्योंकि ये वायर इसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा आपका 0। तो राइट आंसर हो गया यहां पर ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट आई फ्लोइंग इन ए कंडक्टर शेप्ड एज शोन इन फिगर, द रेडियस ऑफ द कर्व पार्ट इज r and the length of straight portion is very large, the value of magnetic field at the center O will be। तो आपको यहां पर एक वायर है इनफाइनाइट से, ये स्ट्रेट वायर, ये सर्कुलर में कन्वर्ट हुआ, इनफाइनाइट पे गया, तो इसके कारण ये सेमी इनफाइनाइट है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड B1, इस सर्कुलर के कारण मैग्नेटिक फील्ड B2 और इसके कारण B3 होगा। अब ये वाला वायर तो इसी O पॉइंट से पास हो रहा है, तो इसके कारण तो क्या हो गया, 0 हो गया, तो B3 तो 0 हो गया। अब B1 के कारण कितना होगा, तो जो B1 होगा उसके कारण सेमी इनफाइनाइट के कारण होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 π perpendicular distance r, ये सेमी इनफाइनाइट के कारण होता है।
और इसके कारण कितना होगा, इसके कारण जो बी टू होगा वो होगा म्यू नॉट आई अपॉन ये टू आर मल्टीप्लाई बाय एंगल जो सबटेंड कर रहा है। तो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है रेडियन में, ये कर रहा है 3π/2। तो ये आपका यहां पर इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो एक ही तरफ है, इसके कारण अंदर की तरफ, इसके कारण अंदर की तरफ, तो दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहां पर B1 और B2 को ऐड कर देंगे, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो इसका जो है आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई अपॉन 4R, म्यू नॉट आई अपॉन 4R बाहर ले लिया, ये 3π म्यू नॉट आई अपॉन 4π, यार आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो देखिए म्यू नॉट आई 4πR मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो ये म्यू नॉट आई 4πR बाहर कॉमन ले लिया, तो यहां तो हो गया 1, ये तो हो गया 1। अब म्यू नॉट आई अपॉन 4πR बाहर कॉमन ले लिया तो यहां पर क्या बचेगा, 3π/2 बचेगा, तो ये आपके जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर एंड रेजिस्टेंस कैपिटल आर। वन ऑफ द एक्ट ए बी ऑफ द रिंग सबटेंड एन एंगल थीटा एट दिस सेंटर, द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन एट दिस सेंटर ड्यू टू करंट इन द रिंग। देखिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है एक रिंग है, ये रिंग है बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी, तो ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया, आपने यहां पर एक बैटरी कनेक्ट की हुई, ये बैटरी कनेक्ट की हुई यूनिफॉर्म कंडक्टिंग रिंग रेडियस आर, इसकी रेडियस आर और रेजिस्टेंस है कैपिटल आर। अब यहां से करंट जाता है, इसमें करंट जाता है, इसमें करंट जाता है, ये I1 ये I2, ठीक है, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, हमें पता है पैरेलल में जो करंट होगा दोनों पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, दोनों पर सेम पोटेंशियल होगा, तो इसके कारण ऊपर वाले वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर की तरफ होगा B1, और इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आउटसाइड होगा B2। दोनों का जो मैग्नीट्यूड वो इक्वल होता है, ये हमें रिलेशन पता है कि जब भी अगर कोई भी यूनिफॉर्म लूप होता है, यूनिफॉर्म लूप में आप करंट फ्लो करवाते हैं आउटसाइड फ्रॉम बैटरी, तो यहां पर करंट डिवाइड होता है, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, एक के कारण मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होगा, एक के कारण आउटसाइड होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यहां पर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, यानी कि थीटा के सभी मानों के लिए शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वायर ओरिएंटेड इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन कैरीज अ करंट ईस्टवर्ड, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट टू द साउथ ऑफ वायर इज। देखो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि एक वायर है जिसमें पूर्व पश्चिम दिशा में इस वेस्ट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो आपको उस वायर के साउथ की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये इस तरह से आप, ये आपने वायर ले लिया, ठीक है, ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन हो गया, ये नॉर्थ, ये साउथ हो गया, इसमें करंट किस तरफ जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये करंट ऐसे जा रहा है इस डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन, तो यहां पर आप अपने राइट हैंड के थंब को प्लेस करते हैं तो फिंगर्स जो है साउथ की तरफ, साउथ इस तरफ हो गया, वो किस तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो राइट आंसर हो जाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड, तो आप इसमें जो है राइट हैंड थंब रूल लगा के डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वायर्स विद करंट 2 एम्पियर एंड 1 एम्पियर आर एनक्लोज इन अ सर्कुलर लूप, अनदर वायर द करंट 1 एम्पियर इज सिचुएटेड आउटसाइड द लूप एज शोन इन फिगर। ये यहाँ पर अनदर वायर जो है, यहाँ पर 3 एम्पियर करंट जो है आउटसाइड द लूप है, इस फिगर में 3 एम्पियर दिया हुआ है। तो टू वायर्स विद करंट 2 एम्पियर एंड 1 एम्पियर आर एनक्लोज इन अ सर्कुलर लूप, अनदर वायर द करंट 3 एम्पियर, ये 3 एम्पियर आउटसाइड है, तो यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है इसके इस लूप के पर जो है B.dl की वैल्यू क्या होगी। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ, ये है B.dl इक्वल्स टू म्यू नॉट नेट करंट आई। अब यहां पर नेट करंट आई 2A और 1A दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो एड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय 3 एम्पियर, तो ये आ जाएगा 3 μ0, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बीम ऑफ आयंस विद वेलोसिटी 2 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड एंटर्स
normally into uniform magnetic field of 4 multiplied by 10 to the power minus 2 Tesla. If the specific charge of the ion is 5 multiplied by 10 to the power 7 coulomb per kilogram, then the radius of the circular path described will be. So, देखिए question में आपको दिया हुआ है एक charge particle का beam है जिसकी velocity given है 2 multiplied by 10 to the power 5. ये uniform magnetic field 4 multiplied by 10 to the power minus 2 Tesla में जिसमें स्पेसिफिक चार्ज है वो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 7 है, तो इसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है. तो हमें पता है जो रेडियस होता है उसके लिए रिलेशन होता है आर इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी. आपको स्पेसिफिक चार्ज पता है क्यू बाई एम होता है, तो इससे स्टावेश तो ये वी क्यू बाई एम बी इस तरह से लिख सकते हैं आर. तो वी की वैल्यू कितनी दी हुई है, वी गिवन है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 5 Q by M, that is 5 multiplied by 10 to the power 7 और B की वैल्यू दी हुई 4 multiplied by 10 to the power minus 2. ये कैंसिल हो गया तो ये 2 upon 20 यानी कि 0.1. तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 1, 0.1 मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू लॉन्ग थिन वायर ए बी सी डी ई एफ आर अरेंज एज शोन इन फिगर. दे कैरी इक्वल करंट्स आई एज शोन इन फिगर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट ओ. तो देखिए आपको यहां पर यह वायर दिया हुआ है, एक तो ए बी सी और दूसरा दिया हुआ है डी ई एफ, ये 90 डिग्री एंगल पर बेंट किए हुए हैं. तो इनमें करंट दोनों में आई करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके सेंटर ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है. तो देखिए ये वाला वायर ए बी और डी ई ये तो इसी पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो इन दोनों के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो तो जीरो हो जाएगा. अब इस वाले वायर के कारण और इस वाले वायर के कारण, इस बी सी और इस ई एफ के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा. तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड हम चेक कर लेते हैं. तो इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी वन है, तो इसका डायरेक्शन ठीक है, थंब ये अपवर डायरेक्शन में हो गया, तो इसके कारण अपवर डायरेक्शन में. इसके कारण देखेंगे तो इस पे भी क्या होगा आपका, ये करंट का डायरेक्शन और यहां पर भी क्या हो रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में. तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है बी वन बी टू. ये दोनों वायर जो है सेमी इनफाइनाइट वायर है, तो दोनों के कारण आप एड करेंगे बी वन प्लस बी टू. और यहां पर एक वायर के कारण होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां है ए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आपका म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी बी. सडनली इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूस टू बी बाई 2, द रेडियस ऑफ द पाथ बिकम फॉर्म द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ आर. तो देखिए यहां पर क्वेश्चन में एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी स्पीड दे दी आपको 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसकी इंटेंसिटी बी है उसमें परपेंडिकुलर मूव कर रहा है. सडनली इसकी इंटेंसिटी क्या करते हैं आप, हाफ कर देते हैं बी बाई 2, तो रेडियस ऑफ द पाथ क्या हो जाएगी नई वैल्यू. तो देखिए हमें पता है आर इक्वल्स टू क्या होता है, एम वी अपॉन क्यू बी होता है. एम वी क्यू तो कॉन्स्टेंट है, तो आर इज प्रोपोर्शनल क्या हो गया आपका, बी हो गया. अब आपने बी हाफ की तो रेडियस क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, तो यहाँ इंक्रीज टू 2 आर हो जाएगी. तो यहां पर जो रेडियस है वो आपकी 2 आर हो गई. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए ड्यूट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज डिस्क्राइबिंग ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 0.5 मीटर इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड बी. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन दैट डिस्क्राइब एज सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 0.5 मीटर इन द सेम प्लेन विद द सेम बी इज. तो देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक ड्यूट्रॉन जिसकी काइनेटिक एनर्जी है 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सर्कुलर पाथ जिसकी रेडियस 0.5 मीटर है उसके अंदर, ये सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी जो इसके परपेंडिकुलर है उसमें सर्कुलर पाथ पर है. अब इस काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन फाइंड आउट करनी है,
ठीक है, जिसकी रेडियस भी क्या हो उतनी हो 0.5 और मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही हो, तो आपको उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी। तो हमें पता है रेडियस का रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी के साथ, अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्यू बी होता है। अब यहाँ क्या क्या कॉमन है, देखो r दोनों का सेम है, ठीक है, 2 कॉन्स्टेंट हो गया, b कॉन्स्टेंट हो गया, तो ये आपके हो गया। हमें काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना, तो मैं यहाँ पर अंडर रूट एम के प्रोपोर्शनल क्यू कर सकता हूँ, बाकी सब कॉन्स्टेंट है, तो अंडर रूट एम के प्रोपोर्शनल क्यू हो गया, तो बोथ साइड वर्क स्क्वायर किया तो के इक्वस टू क्यू स्क्वायर बाई एम आ गया, तो के इक्वस टू क्यू स्क्वायर बाई एम आ गया। तो अब यहाँ पर आप दोनों का रेशियो देखें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, तो क्यू फोर न्यूट्रॉन स्क्वायर मास ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन क्यू फोर प्रोटॉन स्क्वायर मास ऑफ प्रोटॉन। चलिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन आपको दिया हुआ है 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन आपको फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पर जो है चार्ज न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पे सेम होता है, ठीक है, चार्ज दोनों पर सेम होगा, मास जो प्रोटॉन है वो आपका कितना होता है, इसका न्यूट्रॉन का 2 times होता है, तो ये 1/2 हो गया, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन आ गया 100 आ गया, तो 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चार्ज ऑन ए पार्टिकल वाई इज डबल द चार्ज ऑन पार्टिकल एक्स, दीज टू पार्टिकल एक्स एंड वाई आफ्टर बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस एंटर ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड डिस्क्राइब सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ एक्स टू दैट ऑफ वाई इज। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि चार्ज ऑन पार्टिकल वाई, चार्ज ऑन पार्टिकल वाई इज डबल द चार्ज ऑन पार्टिकल एक्स, डबल द चार्ज ऑन पार्टिकल एक्स, दिस टू पार्टिकल एक्स एंड वाई आफ्टर बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल, तो यहां पर पोटेंशियल जो है दोनों का सेम है, थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस एंटर ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो बी भी सेम है, डिस्क्राइब सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस R1 R2, और दोनों की जो रेडियस है वो R1 R2 है, तो इनके मासेस का रेशियो क्या होगा। तो देखिए ये रिलेशन होता है रेडियस का, आर इक्वल्स टू अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी क्यू मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल, तो एम क्यू अपॉन क्यू बी ये होता है। अब देखिए यहां पर v सेम है, 2 कॉन्स्टेंट है, बी यहां पर सेम है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं R इज प्रोपोर्शनल अंडर रूट एम बाई क्यू, तो ये अंडर रूट, ये क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, तो ये आएगा अंडर रूट एम अपॉन क्यू आ जाएगा। अब यहां पर अंडर रूट एम अपॉन क्यू है, तो इनका रेशियो निकाल लेते हैं। यहां पर बोला है कि चार्ज ऑन पार्टिकल डबल द चार्ज, चार्ज हो गया आपका, थ्रू द सेम पोटेंशियल एंटर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द रेशियो ऑफ मासेज ऑफ, तो रेशियो ऑफ मासेज निकालेंगे तो ये आर स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल एम बाई क्यू, तो एम इक्वस टू क्या हो गया आपका, एम इक्वस टू क्यू आर स्क्वायर, तो क्यू आर स्क्वायर। अब इन दोनों का जो है R1 R2 R1 एक्स के लिए, तो ये मास ऑफ एक्स इक्वस टू चार्ज ऑफ एक्स, ठीक है, और रेडियस इसकी होगी R1 स्क्वायर, मास ऑफ वाई चार्ज ऑन वाई, और ये हो गया आपका R2 स्क्वायर, डिवाइड कर दो, तो ये क्यू एक्स अपॉन क्यू वाई की जो वैल्यू है दैट इज 1/2, तो 1/2 R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर, तो R1 स्क्वायर अपॉन 2 R2 स्क्वायर, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन इज 10 million hertz, इफ द रेडियस ऑफ इट्स डीज इज 0.5, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्रोटॉन विच इज एक्सेलरेटेड बाय द साइक्लोट्रॉन इज। देखिए आपको यहां पर फ्रीक्वेंसी गिवन है ये वाली, तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है qb अपॉन 2 pi m,
जो कि आपको यहां पर 10 मिलियन हर्ट्ज की वन है। रेडियस ऑफ डीज आपको दे दिए, ये रेडियस जो है वो 0.5 होगी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन विच इज एक्सेलरेटेड बाय द साइक्लोट्रॉन। तो देखो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। अब हमें पता है रिलेशन आर इक्वल्स टू होता है एम वी अपॉन क्यू बी, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो 1/2 एम वी इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, ये एम से एम कैंसिल हो गया, तो ये वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर एम से एम कैंसिल हो गया, ये रिलेशन आ गया। अब वैल्यू पुट कर देते हैं हम इसमें, तो देखो यहां पर फ्रिक्वेंसी की जो वैल्यू है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए क्यू बी इक्वल्स टू 2πmf हो गया, तो मैं यहां पर काइनेटिक एनर्जी 1/2 क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये 4π स्क्वायर एम स्क्वायर एफ स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम, ये एक एम से एम भी कैंसिल हो गया। अब वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, तो 1/2 4π स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एम, एम की वैल्यू है हमारे पास, तो ये आपका प्रोटॉन, तो इसका जो मास होगा 1.6 × 10⁻²⁷ ये ले लेते हैं। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी 10, तो ये 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ का स्क्वायर कर लेते हैं, और रेडियस आपको गिवन है 0.5, तो ये 0.5 का स्क्वायर कर देते हैं। इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज 5.1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लॉन्ग वायर बेंट एज शोन इन फिगर कैरीज करंट आई इफ द रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्कुलर पोर्शन इज ए द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर सी इज। देखिए आपको यहां पर ये एक वायर दिया हुआ है, ये वायर है आपका एक्स वाई प्लेन में, ये वाला रखा हुआ है वाई जेड प्लेन में और ये है एक्स वाई प्लेन में, तो आपको यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे फाइंड आउट करना है। तो देखिए इस वाले वायर के कारण ये अंदर की तरफ एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर, तो ये आपके डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा नीचे की तरफ, तो ये हो गया नेगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग, तो ये सेमी इनफाइनाइट इसके कारण होगा, ये बी वन ले लो, बी वन इक्वल्स टू तो म्यू नॉट आई अपॉन 4π परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ऐसे नेगेटिव जेड, तो ये हो गया माइनस के कैप। इस वाले वायर के कारण नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, तो ये बी टू हो जाएगा, तो बी टू जो होगा ये बी नेट निकाल रहा हूँ, तो इसके कारण बी टू जो हो जाएगा ये सेमी सर्कुलर म्यू नॉट आई अपॉन 4R रेडियस तो ए हो गया, और डायरेक्शन माइनस आई कैप। इस वाले वायर के कारण नेगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग सेम वैल्यू होगी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दे। अब ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो आप इसका क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट लेंगे, तो यहाँ पर ये जो दोनों है इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट इसका स्क्वायर, तो म्यू नोट आई अपॉन 4π ये बाहर कॉमन ले लें, तो म्यू नोट स्क्वायर म्यू नोट आई 4π आप बाहर कॉमन ले लिया आपने स्क्वायर का, यहाँ क्या बचा आपका, यहाँ बचा आपका 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ बचा आपका पाई स्क्वायर, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 14 उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा म्यू नॉट आई 4a π π² + 4 ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफ्लेक्शन इन ए मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर इज। देखो मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर जो है उसके अंदर डिफ्लेक्शन किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो ये जो होता है आपके
टो इक्वल्स टू सी थीटा होता है, टो इक्वल्स टू एन आई ए बी, ये टॉर्क हो गया, सी थीटा हो गया। तो आप देख रहे हैं यहां पर जो थीटा है ये प्रोपोर्शनल एन आर आर, ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, 15 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 100 टर्न कॉइल शोन इन फिगर कैरिंग ए करंट 2 एम्पियर इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, द टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल। तो जो टॉर्क होगा वो होता है आपके टो इक्वल्स टू एन आई बी ए, तो टॉर्क की वैल्यू जो है एन, नंबर ऑफ टर्न्स 100, आई की वैल्यू है 2 एम्पियर, बी जो है वो आपको गिवन है 0.2 और इसका एरिया गिवन है 10 मल्टीप्लाई बाई 8, 80 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर ले, तो ये आ गया। जब आप इसको सोल्व करते हैं तो आता है 0.32। अब इसका डायरेक्शन देखें तो ये बी का डायरेक्शन हो गया, बी का डायरेक्शन करंट नीचे की तरफ, थंब नीचे की तरफ, तो इस पर फोर्स लगेगा एडी पर ऊपर की तरफ, तो 0.3 टेंडिंग रोटेट द साइड एडी आउट ऑफ द पेज, तो ये आउट ऑफ द पेज लगेगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन। तो ये आपके जो है ऑप्शन वन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए करंट इज पास्ड इन ए स्प्रिंग इट गेट्स कंप्रेस। देखो अगर स्प्रिंग है उसके अंदर करंट पास करते हैं तो सब में करंट जो होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा, और सेम डायरेक्शन में होता है करंट, उनमें अट्रैक्शन होता है तो वो पास आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा राइट आंसर, गेट कंप्रेस, तो ये कंप्रेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाइड्रोजन एटम दिस इलेक्ट्रॉन इज मेकिंग 6.6 टेंस टू पावर 15 रिवोल्यूशन पर सेकेंड अराउंड द न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 0.528 एंगस्ट्रॉम, द मैग्नेटिक मोमेंट विल बी। आपको यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है इस फ्रिक्वेंसी से। तो देखिए मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है एम इक्वल्स टू होता है आई ए, आई होता है ई मल्टीप्लाई बाई एफ इलेक्ट्रॉन के केस में, और एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दें, ई की वैल्यू 1.6 टेंस टू पावर माइनस 19, एफ आपको दिया हुआ है 6.6 टेंस टू पावर 15, पाई 3.14, आर की वैल्यू 0.528 टेंस टू पावर माइनस 10 स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो यह आएगा ऑप्शन वन, 1 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर माइनस 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लूप कैरीज करंट आई लाइज इन द एक्स वाई प्लेन एज शोन इन द फिगर, इफ द यूनिट वेक्टर के इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर देन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द करंट लूप इज। देखिए आपको यहाँ पर इसका मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करना है, ये आपके करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये मैग्नेटिक मोमेंट होगा अलोंग जेड एक्सिस, तो सबसे पहले तो आ गया अलोंग जेड एक्सिस होगा यानी कि के कैप होगा। अब देखिए यहाँ पर ये आपका एक स्क्वायर तो ये बन गया, ये सेमी सर्कुलर, ये भी सेमी सर्कुलर, ये भी सेमी सर्कुलर, ये सेमी सर्कुलर, तो जो एम होता है वो होता है आपके आई मल्टीप्लाई बाई ए, तो आई तो आपका यहाँ पर निकल गया, ए कितना होगा, एरिया निकाल देते हैं, तो एरिया हो गया ये इस वाले का तो हो गया ए स्क्वायर, तो इस वाले का तो हो गया स्क्वायर का तो हो गया ए स्क्वायर प्लस ये वाला पाई आर स्क्वायर बाई टू, तो पाई आर की वैल्यू कितनी ए बाई टू, तो ए बाई टू का स्क्वायर, ये ए बाई टू रेडियस इसकी, तो पाई ए बाई टू का स्क्वायर, ये इसका और इसका आ गया, ये एक सर्किल का आ गया।
अब इसका भी निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगा, के कैप की हो जाएगा। तो यहां से आप इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर आई, आई जो करंट हो ही गया, ये बाहर कॉमन ले लिया आपने ए स्क्वायर आई, तो ये तो आ गया 1 प्लस पाई बाई 2, एक 2 से 2 कैंसिल हो गया तो पाई बाई 2 ये आ जाएगा, डायरेक्शन हो गया के, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए थिन फ्लेक्सिबल वायर ऑफ लेंथ एल इज कनेक्टेड टू 2 एडजेसेंट फिक्स पॉइंट कैरीज अ करंट आई इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर। व्हेन द सिस्टम इज पुट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ बी गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर द वायर टेक्स द शेप ऑफ सर्किल द टेंशन इन द वायर। देखो आपको यहां पर एक ये लूप दिया हुआ है, ठीक है, आपने इस लूप को मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा हुआ है अभी, तो ये किसी भी शेप का है, ये फ्लेक्सिबल है। जैसे आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, इस पर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगता है और ये जो लूप है एक शेप ले लेता है, दैट इज सर्कुलर शेप ले लेता है। तो आपको फाइंड आउट करना है इसके वायर में जो टेंशन जनरेट होगी वो कितनी होगी। तो यहां पर इसकी लेंथ दे दी, इसकी जो पूरे की लेंथ है वो एल दे रखी है, इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट आई फ्लो हो रहा है। ये लूप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, आप इस पे एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं इसके सेंटर से, ये एक स्मॉल इस पर सबटेंड कर रहे हैं एंगल, ये एंगल है थीटा एंगल, तो ये आपका ये डी थीटा बाई 2 हो गया, तो ये भी आपका कितना हो गया डी थीटा बाई 2 हो गया। अब यहां पर इस पर इधर की तरफ टेंशन लगेगी, इस पर भी इधर की तरफ टेंशन लगेगी क्योंकि ये एक्सटेंड हो रहा है, तो ये टेंशन टी होगी, यहां पर टेंशन टी होगी, इसका इस तरफ कंपोनेंट होगा, इस तरफ भी कंपोनेंट होगा d थीटा बाई 2, तो ये भी d थीटा बाई 2, इस तरफ कंपोनेंट t cos d थीटा बाई 2, इधर भी इसका सेम ये सेम एंगल होगा, तो t cos d थीटा बाई 2 इधर भी हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएंगे। इसका इस तरफ कंपोनेंट आएगा t sin d थीटा बाई 2, t sin d थीटा बाई 2 दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये यहां पर 2t sin d थीटा बाई 2, और इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है, तो इस पे ऊपर की तरफ लगेगा बी आई एल, तो ये बी करंट आई, और इसकी जो लेंथ है वो है डी एल, तो ये डी एल इस पे लगेगा, एंगल स्मॉल है तो साइन को छोड़ दो, तो 2t ये डी थीटा बाई 2, तो साइन डी थीटा बाई 2 को डी थीटा बाई 2, ये बी आई। अब यहां पर एंगल इक्वल्स टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो एंगल है डी थीटा, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस इसकी आर ले लो, तो डी एल इक्वल टू क्या हो गया आर डी थीटा, ये हो गया डी थीटा से ये डी थीटा, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसकी जो लेंथ है, टेंशन फाइंड आउट करनी है, तो लेंथ जो होगी वो 2 पाई आर के इक्वल है, तो आर इक्वल टू कितना हो गया एल अपॉन 2 पाई, तो इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो टी इक्वल टू बी आई और आर की वैल्यू होगी एल अपॉन 2 पाई, तो ये हो गया बी आई एल अपॉन 2 पाई, तो ये राइट आंसर होगा बी आई एल अपॉन 2 पाई, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 बी आई एल अपॉन 2 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शॉर्ट मैग्नेटिक नीडल इज पिवोटेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 1 टेस्ला। व्हेन अनदर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ √3 टेस्ला इज अप्लाइड टू द नीडल इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन द नीडल डिफ्लेक्ट थ्रू एन एंगल थीटा वेयर थीटा इज। देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ एक मैग्नेटिक नीडल है, ये एक मैग्नेटिक नीडल है, दिस इज द मैग्नेटिक नीडल इज पिवोटेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 1 टेस्ला।
तो ये जो है इस तरफ वन टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस समय ये मैग्नेटिक नीडल इसकी तरफ होगी। अब अनदर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ रूट थ्री टेस्ला इज अप्लाइड टू द नीडल इन अ परपेंडिकुलर। अब इधर की तरफ हमने रूट थ्री टेस्ला लगाया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड दोनों इसको अपनी तरफ रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो ये बोल रहा है ये परपेंडिकुलर टू नीडल डिफ्लेक्ट होगा और ये इससे थीटा एंगल बना लेगा, तो ये अब इससे थीटा एंगल पे चला जाएगा। तो दोनों इस पे टॉर्क सेम लगा रहा हूँ, ये टो वन, ये इधर की तरफ टो टू, जहाँ पर दोनों का टॉर्क इक्वल हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, वहाँ जाके ये इक्विलिब्रियम हो जाएगी। तो टो वन इक्वल्स टू क्या होता है, एम बी साइन थीटा। तो ये इस टेस्ला के कारण क्या होगा, एम मैग्नेटिक मूवमेंट, बी कितना है वन साइन थीटा, ठीक है, इसके कारण टॉर्क। तो ये आपके एम सेम रहेगा, बी कितना हो गया रूट थ्री, और ये आपके साइन 90 माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा ये हो जाएगा। तो ये एम से एम कैंसिल हो गया, एंगल पूछा है तो साइन अपॉन कॉस टेन थीटा, ये रूट थ्री आ गया, तो ये थीटा की वैल्यू कितनी होगी 60 डिग्री होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट अ प्लेन 30 डिग्री विद मैग्नेटिक मेरिडियन एंगल ऑफ डिप इज 45 डिग्री, द ट्रू डिप एंगल इज। देखिए आपको यहां पर कोई प्लेस है, ठीक है, एट अ प्लेन 30 डिग्री विद मैग्नेटिक मेरिडियन, तो मैग्नेटिक मेरिडियन से 30 डिग्री प्लेन पे, तो यहां पर वो एंगल मान लो ये अल्फा है, 30 डिग्री है, एंगल ऑफ डिप उस प्लेन के अंदर कितना है, तो ये थीटा डैश जो है उस प्लेन के अंदर 45 डिग्री दे दिया, तो ट्रू क्या होगा। तो इसके लिए रिलेशन होता है टेन थीटा डैश इक्वल्स टू टेन थीटा अपॉन कॉस अल्फा। आपसे टेन थीटा पूछा जाए तो ये टेन थीटा डैश कॉस अल्फा, टेन थीटा डैश यानी कि टेन 45 अल्फा कॉस 30, 45 वन मल्टीप्लाई बाय रूट थ्री बाई टू हो गया, कॉस 30 की वैल्यू रूट थ्री बाई टू, तो ये आपके टेन इनवर्स रूट थ्री बाई टू आ गया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैग्नेटाइज्ड वायर ऑफ मूवमेंट एम इज बेंट इनटू एन आर्क ऑफ सर्किल सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, देन द न्यू मैग्नेटिक मूवमेंट इज। देखिए आपको यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक वायर है, ये स्ट्रेट वायर है, ये एक स्ट्रेट वायर है, इसकी लेंथ है एल मान लीजिए, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है एम हो गया, तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा कैपिटल एम, दैट इज पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम मल्टीप्लाई बाय एल होगा। अब आप इसको इस तरह से वायर में बेंट कर देते हैं, तो ये जो है इसके सेंटर पे ये 60 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है, तो ये 30 हो गया, ये भी 30 हो गया। अब यहां पर इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा एम डैश, दैट इज स्मॉल एम मल्टीप्लाई बाय इन दोनों के बीच का सेपरेशन, तो ये इसकी रेडियस होगी आर, तो ये आर, तो ये आर कोस 30, आर साइन 30, तो ये आर साइन 30 की वैल्यू होगी आर बाई टू, ये भी आर साइन 30, तो डबल कर दो इसको, ये टू, तो ये जो एम डैश आ रहा है ये स्मॉल एम आर आ रहा है, ठीक है। अब ये एंगल जो है 60 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है, तो इसकी जो लेंथ है एल, इसकी जो लेंथ एल है वो 2 पाई आर, जो सर्क्रम फेंस है परिधि है उसका 1/6 होगा, तो ये आपके यहाँ पर एल की जो वैल्यू है 2 पाई आर का 1/6 यानी कि पाई आर बाई 3, तो आर इक्वल्स टू कितना हो गया 3 एल अपॉन पाई हो गया, ये वैल्यू इसके अंदर रखेंगे तो एम डैश इक्वल्स टू स्मॉल एम आर की वैल्यू 3 एल अपॉन पाई, तो ये 3 कैपिटल एम अपॉन पाई आ जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टेंजेंट गैल्वेनोमीटर शोज ए डिफ्लेक्शन 45 डिग्री व्हेन 10 मिली एम्पियर करंट पासेस थ्रू इट, इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ फील्ड इज 3.6 × 10⁻⁵ टेस्ला, द रेडियस ऑफ द कोइल इज 10 सेंटीमीटर, द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कोइल इज। तो देखिए आपको ये जो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर दे रखा है इसमें डिफ्लेक्शन है 45 डिग्री, जब 45 डिग्री
डिफ्लेक्शन होता है तो उसका जो करंट होता है के वो उसके रिडक्शन फैक्टर के इक्वल होता है, तो के की वैल्यू आई के इक्वल होगी। अब इसके अंदर जो है 10 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, यानी कि के की वैल्यू है 10 इन एसआई सिस्टम पासेस थ्रू इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो है बी एच इसका अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिवन है और रेडियस ऑफ कोइल गिवन है 10 सेंटीमीटर, ये रेडियस तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द कोइल होगा। तो ये जो होता है के इक्वल्स टू 2RBH अपॉन म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स, ये रिलेशन होता है। तो N इक्वल्स टू 2RBH अपॉन म्यू नॉट के, ये रिलेशन आ जाएगा। तो यहां से जो N है वो 2 रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो ये 0.1 मीटर BH दैट इज 3.6 10 to power minus 5 BH and mu naught हो गया 4π × 10⁻⁷, ठीक है, और K की वैल्यू है आपके 10। इसको जब सोल्व करते हैं तो राइट आंसर आता है 570 टर्न्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ससेप्टिबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम एट 300 केल्विन इज 1.2 × 10⁻⁵। द टेम्परेचर एट विच ससेप्टिबिलिटी विल बी 1.8 एंड 10⁻⁵ इज। तो आपको यहां पर मैग्नीशियम की 300 पे ससेप्टिबिलिटी गिवन है, तो यहां पर जब इसकी ससेप्टिबिलिटी यानी कि चुंबकीय प्रवृत्ति इतनी होगी तब इस समय टेम्परेचर कितना होगा। तो हमें पता है काई एम इज प्रोपोर्शनल 1/T होता है, ठीक है, मैग्नीशियम के लिए। तो ये काई एम टी वन ये 2T2 होता है, ठीक है। तो ये मैग्नेट जो है चुंबकीय प्रवृत्ति ताप, दूसरे केस में चुंबकीय प्रवृत्ति उसका ताप सोल्व कर लें, तो ये T2 इक्वल्स टू, तो ये आपके 1.2 × 10⁵ केल्विन में ऑलरेडी है, करने की जरूरत नहीं है। ये आपको चुंबकीय प्रवृत्ति दे रखी 1.8 × 10⁻⁵, ये कैंसिल हो गया, ये 2/3, तो ये 3 तो 200 आ गया, तो राइट आंसर हो जाएगा 200 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मेटेलिक रिंग इज अटैच्ड विद द वॉल ऑफ रूम व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज ब्रॉट नियर टू इट द इंड्यूस करंट इन द रिंग विल बी। देखो आपने ये दीवार पर ऐसे दीवार पर एक रिंग लगा रखी है और ऐसे आप इसका ये नॉर्थ पोल इसके पास लेके जाएंगे, तो ये दीवार को क्रॉस तो कर नहीं सकती, रिंग आपने ऐसे लगा रखी तो ये बस दीवार के पास ही जा सकती, इसको क्रॉस नहीं कर सकती। तो आप इसको ऐसे जब लेके जाएंगे नॉर्थ पोल तो इसको अपोज करेगा, यानी कि इधर क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगा, तो इसका मतलब आपके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होगा, तो करंट होगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वामावर्त दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कोइल हैविंग एन एरिया ए नॉट इज प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड विच चेंज फ्रॉम बी नॉट टू 4B0 इन अ टाइम इंटरवल टी, द ईएमएफ इंड्यूस इन द कोइल विल बी। तो आपको यहां पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है बी नॉट टू 4B0 टाइम टी दे रखा है, एरिया दिया हुआ है, तो इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, तो इंड्यूस इफेक्ट इक्वल्स टू माइनस d/dt फाई की वैल्यू है बी ए, तो e माइनस a की वैल्यू है n नॉट। अब जो चेंज हो रहा है वो 4B0 चेंज हो रहा है, इनिशियल कितना है B0, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टी, तो सोल्व करेंगे तो आ जाएगा ऑप्शन 1 -3N0B0/T। नेक्स्ट क्वेश्चन ए करंट कैरिंग सोलेनोइड इज अप्रोचिंग ए कंडक्टिंग लूप एज शोन इन फिगर। The direction of induced current as observed by an observer on the other side of the loop will be। तो देखिए ये solenoid है, इस solenoid में current ऐसे आ रहा है आपको anti-clockwise है, तो यहाँ पर ये जो है इसका north pole होगा, जब इसके पास आएगा ये इसको approach करेगा तो north होगा, तो इधर क्या होगा south होगा, तो इसको क्या नजर आएगा, इस observer को south नजर आएगा, यानी कि clockwise direction, तो right answer हो जाएगा clockwise।
Next question, a 50 ton circular coil has radius of 3 cm. It is kept in a magnetic field acting normal to the area of the coil. The magnetic field be increased from 0.10 tesla to 0.35 tesla in 2 millisecond. The average induced EMF in the coil is. तो देखिए यहां पर आपको इंड्यूस ईएमएफ निकालना है, तो सेम वही एवरेज निकालना है, तो माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी एवरेज इंड्यूस ईएमएफ. अब आपको इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे, तो यहां पर माइनस नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया जो है आपका वो कांस्टेंट है, रेडियस तो पाई आर स्क्वायर रेडियस हो गया, सर्कुलर कोयल रेडियस दे दी तो ये पाई आर स्क्वायर हो गया. अब इसमें चेंज हो रहा है फाइनल माइनस इनिशियल, तो 0.35 माइनस 0.10 और कॉस 0 अपॉन टाइम दे दिया डेल्टा टी, डेल्टा टी की वैल्यू दे दी 2 मिली सेकेंड. अब एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू पुट कर लेते हैं 50 टन, तो माइनस 50 माइनस 50 ठीक है, पाई 3.14 रेडियस आपको 3 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट कर लो, टेंस टू पावर माइनस 2 का स्क्वायर, ये आपका 0.25 cos 0 की वैल्यू 1 अपॉन टाइम 2 मल्टीप्लाई बाय टेंस टू पावर माइनस 3 आ गया. तो भाई यहां पर ये जो क्वेश्चन है इसको जब हम सोल्व करते हैं तो राइट आंसर आता है ऑप्शन 2, 17.7 वोल्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मेटलिंग रिंग कनेक्टेड टू रोड ऑसिलेट फ्रीली इन लाइक पेंडुलम, इफ नाउ ए मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन सो दैट द पेंडुलम नाउ स्विंग्स थ्रू द फील्ड द पेंडुलम विल. तो देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ये इसमें ऑसिलेट करेगा तो इसके अंदर क्या होगी, एडी करंट जो है फ्लो करेगी वो इसको क्या करेगी, रिटार्ड करेगी, तो इट लास्ट कम टू रेस्ट वेरी सून. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कोइल ऑफ 40 ओम रेजिस्टेंस हैज 100 टर्न्स एंड रेडियस 6 मिलीमीटर इज कनेक्टेड टू अमीटर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 160 ओम. कोइल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. व्हेन कोइल इज टेकन आउट ऑफ द फील्ड 32 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो थ्रू इट, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी. तो आपको यहां पर कोइल का जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं, इसकी ये जो रेडियस दी हुई है 6 मिलीमीटर, अमीटर का रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज में कनेक्ट हो गया, इसको आप मैग्नेटिक फील्ड है उससे बाहर निकाल रहे हैं और 32 माइक्रो कूलम चार्ज इसमें फ्लो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो आपको बी फाइंड आउट करना है. तो देखिए हमें पता है चार्ज जो होता है इंड्यूस चार्ज डी क्यू इक्वल्स टू वो होता है डेल फाई अपॉन आर होता है, फाई इक्वल्स टू जो हो गया नंबर ऑफ टर्न्स एन, बी एरिया कॉन्स्टेंट है और चेंज इन बेरिया चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, तो जीरो माइनस बी माइनस ठीक है आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं एन चेंज इन बी एरिया ए अपॉन आर, वैल्यू पुट कर देता है, एन की वैल्यू कितनी होगी दैट इज 100, बी आपका जो है वो बाहर निकल रहा है यानी कि आपका बी फाइंड आउट करना है अपने को, तो बी फाइंड आउट करना है, तो ये बी फाइंड आउट करना है, तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं, तो बी इक्वल्स टू डी क्यू आर अपॉन एन ए, इससे बी निकल जाएगा. चलिए डी क्यू कितना है, चार्ज कितना है 32 माइक्रो मीन्स टेंस टू पावर माइनस 6, आर रेजिस्टेंस हो गया 160 प्लस 40 200 हो गया, एन नंबर ऑफ टर्न्स हो गया आपके 100 हो गया, और यहां पर ये जो है एरिया दैट इज पाई आर, तो 6 मल्टीप्लाई बाय टेंस टू पावर माइनस 3 का स्क्वायर. जब आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आपको राइट आंसर मिलता है ऑप्शन 4, 0.566 टेस्ला. नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए क्वेश्चन है, 10 मीटर वायर केप्ट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन इज फॉलिंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड परपेंडिकुलर टू द फील्ड 0.3 टेंस टू पावर माइनस 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर इंड्यूस ईएमएफ अक्रॉस द टर्मिनल वेव. तो देखो ये वायर ऐसे रखा हुआ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ऐसे नीचे गिर रहा है, तो इस पे इंड्यूस ईएमएफ होगा बी वी एल. बी आपको दिया हुआ है 0.3 टेंस टू पावर माइनस 4, वी आपको दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, और एल जो दे रखा है 10 मीटर ये गिवन है. ये से कैंसिल, तो ये आपके 15 टेंस टू पावर माइनस 4 यानी कि 1.5 मिली वोल्ट. ऑप्शन राइट टू होगा ऑप्शन टू. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33. द करंट कैरिंग वायर एंड द रोड ए बी आर इन द सेम प्लेन. द रोड मूव्स पैरेलल टू द वायर विद वेलोसिटी वी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इंड्यूस ईएमएफ इन द रोड. देखो ये वायर है, इसके कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, अंदर की तरफ होगा. अब ये ऐसे मूव कर रहा है, जब ये ऐसे मूव करेगा तो इसमें जो करंट का डायरेक्शन होगा वो आप राइट हैंड रूल से, तो ये बी का डायरेक्शन, ये वी का डायरेक्शन, तो ये करंट डायरेक्शन हो गया. तो ये लो पोटेंशियल हो जाता है, ये हाई पोटेंशियल हो गया. तो आपका जो बी होगा वो लो पोटेंशियल पे होगा, ए हाई पोटेंशियल. तो पोटेंशियल ए विल बी हायर देन पोटेंशियल बी. तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4. तो ए का हाई पोटेंशियल होगा, बी का लो पोटेंशियल होगा. Next question. A circular metal plate of radius r is rotating with a uniform angular velocity omega with its plane perpendicular to uniform magnetic field b. Then EMF in develop between the center and the rim of the plate. तो देखो हमें पता है disc हो या कोई भी wheel हो, ठीक है, ये disc है, इसका ये center, इसका ये circumference, इसकी ये radius है r. अब ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस पर जो ईएमएफ होता है ये फिक्स वैल्यू है बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2 होता है. ये रिलेशन हम जो है आपको ऑलरेडी क्लास में डिराइव करते हैं. तो ये बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2, बिकॉज यहाँ पर ये जो डिस्क है ये एक इनफाइनाइट वायर्स जो है इस प्लेन में प्लेस्ड होते हैं, और सभी वायर्स के अक्रॉस ये किसकी तरह बिहेव करता है, एक इनफाइनाइट वायर्स जो एक प्लेन में प्लेस्ड है उसकी तरह बिहेव करता है. तो सभी वायर्स जो होते हैं पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, और सभी पर ईएमएफ सेम होता है बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2. और ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, पैरेलल में वायर्स कनेक्टेड की तरह बिहेव करते हैं, तो सबका ईएमएफ सेम होगा, तो वो एक वायर पे ईएमएफ के इक्वल होगा, तो आंसर हो जाएगा बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2. A rectangular loop has a sliding connector PQ of length L and resistance R ohm, and it is moving with a speed V as shown in figure. The setup is placed in a uniform magnetic field going into the plane of the paper. The current through I1, I2, IR. So, देखो यहाँ पर आपको ये magnetic field अंदर की तरफ है. जब ये ऐसे वायर मूव करेगा, sliding वायर है PQ, ये वायर ऐसे मूव करेगा तो इसमें करंट जो फ्लो होगा वो B, ये V, ये I. ये करंट ऐसे आएगा I, इसमें I जाएगा, ये यहां पर I1 इधर I2 डिवाइड हो रहा है, तो ये दोनों किस में कनेक्टेड है, ये दोनों पैरेलल में, तो R और R कितना हो गया R by 2, ये इसके साथ सीरीज में हो गया, तो R इक्विवेलेंट हो गया 3R by 2. अब इसके अक्रॉस जो EMF होगा, EMF होगा BVL, तो जो करंट होगा वो होगा EMF अपॉन R इक्विवेलेंट. तो ये आपके EMF हो गया BVL अपॉन R इक्विवेलेंट हो गया 3R by 2. तो इसके अंदर जो करंट जाएगा वो तो I की वैल्यू तो होगी BLV अपॉन 3R. अब ये यहां आके इक्वली डिवाइड हो जाएगा हाफ ऑफ, यानी कि इसमें जाएगा BVL अपॉन 3R, इसमें भी जाएगा BVL अपॉन 3R. तो I1 I2 की वैल्यू जाएगी BVL अपॉन 3R. तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन 3. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए यूनिफॉर्मली वाउंड सोलेनोइड कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 1.8 टेंस टू पावर माइनस 4 हेनरी इन रेजिस्टेंस 6 ओम इज ब्रोकन अप इनटू टू आइडेंटिकल कॉइल. दिस आइडेंटिकल कॉइल आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस ए 12 वोल्ट बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस. द टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ द करंट इन दिस सर्किट. तो टाइम कॉन्स्टेंट वाइज जो होता है वो होता है एल बाई आर.
तो आप इसको जब डिवाइड करते हैं सोलेनोइड को, तो ये जो होती है इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, तो ये आपका जो है हाफ हाफ करेंगे तो 0.9 हो जाएगा। तो यहां पर एक का कितना होगा 0.9 टेंस टू पावर -4, और जब ये पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो इसका और हाफ हो जाएगा, ये 0.45 ये हो जाएगा, इसका और हाफ करेंगे तो 0.45 टेंस टू पावर -4 ये एल हो जाएगा। अब रेजिस्टेंस जो है, इसका रेजिस्टेंस 6 ओम है, तो जिसको हाफ करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और 3 और 3 जब पैरेलल में कनेक्ट होगा तो 1.5 हो जाएगा, तो ये आर इक्विवेलेंट जो होगा 1.5 हो जाएगा। अब आप इसका टाइम कांस्टेंट निकालना है, तो टाइम कांस्टेंट एल बाई आर करेंगे तो ये 0.45 टेंस टू पावर -4 अपॉन 1.5, ये 10, ये आपका 100, ये इससे कैंसिल, ये 3 टाइम्स, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाई टेंस टू पावर -3, तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3.3 टेंस टू पावर -4। तो इस क्वेश्चन 36 में राइट आंसर हो रहा है आपके ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कोइल इज 1.25 हेनरी, इफ द करंट इन द प्राइमरी चेंजेस एट द रेट ऑफ 80 एम्पीयर पर सेकंड देन द इंड्यूस ईएमएफ इन द सेकेंडरी इज। तो देखो इंड्यूस ईएमएफ का जो रिलेशन होता है इक्वल्स टू -M dI/dt होता है। अब आपको यहां पर बोल रहा है चेंज पर सेकेंड, DI/dt दे दिया, ठीक है, और कोइल की वैल्यू दे दी E, तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, माइनस एम की वैल्यू कितनी है 1.25, DI/dt 80 एम्पियर, तो 80 एम्पियर सोल्व करेंगे तो ये आपके आ जाएगा 100 वोल्ट मैग्नीट्यूड में, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 इंडक्टेंस आर कनेक्टेड एज शोन बिलो अज्यूमिंग नो कपलिंग, द रिजल्टेंट इंडक्टेंस विल बी। देखो 3 आपको इंडक्टर दिए हुए, यहां पर कोई कपलिंग फैक्टर नहीं होगा, यानी कि कोई म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होगा, तो आपसे बोला है इसका एम इक्विवेलेंट कितना होगा, तो भाई ये दोनों किसमें है पैरेलल में, तो इन दोनों का पैरेलल में कितना हो गया 0.25 हो गया। पैरेलल में क्या होता है L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2, तो ये आपका 0.25 हेनरी ये हो जाएगा। अब इसके साथ सीरीज में आ गया तो दोनों रेजिस्टेंस की तरह ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 0.25 0.75, तो राइट आंसर हो गया 1 हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रांसफॉर्मर रेटेड एट 10 किलो वोल्ट इज यूज्ड टू कनेक्ट ए 5 किलो वोल्ट ट्रांसमिशन लाइन टू ए 240 वोल्ट सर्किट, द रेशियो ऑफ टर्न्स इन द वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। आप देख रहे हैं यहां पर ट्रांसफार्मर जो रेटेड है 10 किलो वोल्ट इज यूज टू कनेक्ट ए 5 किलो वोल्ट, तो बेसिकली ये जो है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है, आपका जो है वोल्ट कम हो रहा है आपका यहां पर, तो ये जो वोल्ट कम होता है आपके, ठीक है, तो ये आपके स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब यहां पर पूछा है रेशियो ऑफ टर्न्स इन वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर, तो जो इनका है प्राइमरी और सेकेंडरी का रेशियो पूछा है, तो एनपी अपॉन एनएस पूछा है, तो ये ईपी अपॉन ईएस हो जाएगा। तो यहां पर 10 किलो यानी कि 10,000 अपॉन 240, तो ये ये जो है आपके ए ट्रांसफॉर्म रेटेड 10 किलो वोल्ट 240 वोल्ट, तो ये 5 किलो वोल्ट है, तो यहां पर आपके हो गया ये 5 किलो, 10 किलो वोल्ट नहीं 5 किलो वोल्ट, तो 5 किलो मींस 10 टू पावर 3 अपॉन 240, इसको सॉल्व करते हैं तो ये 500 अपॉन 24, तो राइट आंसर आ जाएगा 20.8। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए यूनिफॉर्म बट द टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बी टी एग्जिस्ट इन सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस ए एंड इज डायरेक्टेड इन टू द प्लेन ऑफ द पेपर एज शोन इन फिगर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर रीजन। देखो ये यहां पर आपका वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन हो गया,
तो ये होता है B डॉट DL इक्वल्स टू d5 बाई dt। अब d5 बाई dt जो है वो आपका हो गया एरिया मल्टीप्लाई बाय db बाई dt, ये हो जाता है। तो B डॉट DL आपको निकालना, तो इसको लेके आप एक क्लोज पाथ बनाते हैं। तो B मल्टीप्लाई बाय ये रेडियस होगी 2πr, एरिया कितना है इसका, इसका एरिया पाई ए स्क्वायर, तो पाई ए स्क्वायर जिसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है उसका एरिया लेते हैं, और ये db बाई dt आपका हो गया। तो आप b प्रोपोर्शनल क्या आ रहा है, 1/r आ रहा है। तो यहां पर जो है डिक्रीजेस एज 1/r, तो यहां पर r के साथ इस तरह से डिक्रीज होगा इनवर्स रिलेशन में। तो बोल रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पे डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, तो आप यहां पर r इंक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज होगा, तो डिक्रीजेस एज 1/r, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज शोन इन द फिगर ए मेटल रोड मेक्स कॉन्टैक्ट एंड कंप्लीट दिस सर्किट, दिस सर्किट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल्स टू 0.15 टेस्ला, इफ द रेजिस्टेंस इज 3 ओम, फोर्स नीडेड टू मूव द रोड एज इंडिकेटेड विद कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहां पर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ एक सर्किट गिवन है, ठीक है। अब इस सर्किट में ये 3 ओम रेजिस्टेंस हो गया, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, इसकी लेंथ दे दी, इसकी वेलोसिटी दे दी, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो आपका 0.15 टेस्ला हो गया, रेजिस्टेंस 3 ओम दे दिया, तो इसको मूव करवाने के लिए कितना फोर्स चाहिए वो आपको कैलकुलेट करना है। तो भाई Fm इक्वल्स टू होता है BIL, ये होता है, तो बी और एल, आई इक्वल्स टू क्या होता है EMF अपॉन रेजिस्टेंस, और EMF क्या होता है BVL, ये EMF हो जाएगा, I equals to E upon R, B V L upon resistance हो गया R। तो यहां पर B square V, L square V हो गया, तो B square जो है वो आपके हो गया, ये value put करें B square, तो 0.15 का square, V कितना दिया हुआ है, V दिया हुआ है आपको 2 meter per second, तो 2 का square, तो B square, ये V है, तो V और L square, L की वैल्यू गिवन है दैट इज 50 सेंटीमीटर, तो 0.5 का स्क्वायर, तो ये हो गया B स्क्वायर L स्क्वायर V, और R रेजिस्टेंस, R आपको दिया हुआ 3। जब हम इसको यहां पर सॉल्व करते हैं तो राइट आंसर आता है ऑप्शन 1, 3.75 × 10⁻³ न्यूटन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ब्रांच AB ऑफ सर्किट एज शोन इन फिगर, ए करंट I t प्लस 2 एम्पियर इज फ्लोइंग, वेयर t इज द टाइम इन सेकेंड, एट t इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ VA माइनस VB विल बी। तो देखो यहां पर आपको VA माइनस VB निकालना है, तो चलिए A से B तक चले KVL लगाएं, तो VA आप इधर से आ रहे हैं करंट, ऐसे आ रहा है प्लस से माइनस, तो माइनस IR, अब ये आपका करंट आपका इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा था, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो प्लस से माइनस L DI by DT, ठीक है, माइनस से प्लस 10 इक्वल्स टू VB, तो VA माइनस VB इक्वल्स टू IR, I की वैल्यू कितनी, T इक्वल्स टू 0 पर, तो I की वैल्यू 2 होगी, तो ये उस तरफ गया पॉजिटिव, तो 2 मल्टीप्लाई बाय R की वैल्यू 3, प्लस उधर गया प्लस, तो L की वैल्यू कितनी 1, और DI by DT इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो DI by DT आ गया 1 माइनस 10, तो सोल्व करेंगे तो 6 प्लस 1 माइनस 10 हो गया माइनस 3 वोल्ट, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रेजिस्टेंस आर, इंडक्टेंस एल एंड कैपेसिटर सी आर कनेक्टेड इन सीरीज टू एन ऑसिलेटर ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ, इफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज एफ आर देन करंट विल लैग द वोल्टेज, तो यहां पर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है, करंट विल लैग द वोल्टेज, तो करंट पीछे वोल्टेज आगे,
तो करंट जो है, करंट विल लैग वोल्टेज आगे, तो वोल्टेज आगे किस पे होता है, इंडक्टर पे। तो यहां पर जो आपका है वो है इंडक्टिव सर्किट है, प्रेरकीय परिपथ है, और प्रेरकीय परिपथ में जो एफ होता है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होता है, धारतीय कैपेसिटिव में कम होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्किट एन अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट आर सप्लाइड टुगेदर, द एक्सप्रेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट इज गिवन एज आई इक्वल्स टू 3+6 साइन ओमेगा टी, देन आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इज। तो आपको आई आरएमएस निकालना, तो आई आरएमएस का जो रिलेशन होता है वो होता है अंडर रूट इसका स्क्वायर, तो 3 इंटीग्रेशन 0 टू t 3+6 साइन ओमेगा टी स्क्वायर डीटी अपॉन 0 टू t डीटी। आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो गया आपका 9 dt 0 से t dt प्लस 36 0 टू t साइन स्क्वायर ओमेगा t 0 से t dt, और ये आपके हो जाएगा 36 0 से t साइन ओमेगा t dt अपॉन 0 से t dt। इसकी तो फुल साइकिल में एवरेज वैल्यू 0 होगी, साइन स्क्वायर की 1/2 होती, तो ये अंडर रूट, ये dt से dt कैंसिल हो गया, 9 यहाँ रिमेनिंग रहा, प्लस 36 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये 18 टाइम्स, ये 27 अंडर रूट में, यानी कि 3√3 आ गया। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज इन एन एसी सर्किट आर 100 साइन 314 टी एम्पियर एंड ई इक्वल्स टू 200 साइन 314 टी प्लस पाई बाय 3 वोल्टेज रिस्पेक्टिवली, इफ द रेजिस्टेंस इज 1 ओम देन द रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट विल बी। तो आपको यहाँ रिएक्टेंस निकालना, तो आप देख रहे हैं दोनों में जो फेज डिफरेंस है 10 ∅ वो निकालें, तो ये होता है XL अपॉन R, ठीक है। रिएक्टेंस पूछा है, तो ये आपको ये पता लग रहा है यहाँ पर EMF लीड कर रहा है, यानी कि L इफेक्टिव होगा, तो XL अपॉन R, तो XL की वैल्यू आपको ये निकालनी, ठीक है, ये निकाल 10 ∅, तो ये 10 ∅ की वैल्यू कितनी, पाई बाई 3 XL और R की वैल्यू 1, 10 ∅ की वैल्यू पाई बाई 3 कितना होता है, √3। तो राइट आंसर आ गया XL इक्वल्स टू √3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A एंड B आर इंडिकेटेड, इफ A एंड B आर आइडेंटिकल बल्ब, Which bulbs glow brighter? तो देखिए भाई, यहां पर ये पोटेंशियल आपने कोई अप्लाई किया, तो जिस पर ये कम अप्लाई होगा उस पर ये ज्यादा ब्राइट करेगा, यानी कि जहां पर दोनों ग्लो करेंगे तो जिस पर पोटेंशियल कम ड्रॉप होगा उस पर क्या होगा, आपका ज्यादा ग्लो करेगा। तो दोनों में देख लेते हैं किसका ज्यादा है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उस पर क्या होगा, पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। देखिए भाई, यहां पर ये जो वैल्यू आ रही है XC, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी पीको में, बिकॉज XC इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा C, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, C की वैल्यू आपकी कम होगी तो XC ज्यादा होगा, ये वैल्यू कम है तो ये वैल्यू कम होने की वजह से जो XL है वो ओमेगा L, XL कम होगा, तो XC ग्रेटर देन ओमेगा, XC ग्रेटर देन XL होगा। अब ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू कम है, ये कम है तो इस पर कम पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इस पर ज़्यादा ड्रॉप होगा, तो कौन सा बल्ब तेज चमकेगा, तो भाई बल्ब ए ज़्यादा चमकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एल आर सर्किट द करंट इंक्रीज टू 1/4 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू इन 4 सेकेंड, देन द टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ दिस सर्किट इज।
तो भाई आपको एलआर सर्किट दिया हुआ, उसके लिए रिलेशन होता है आई कोस टू आई नॉट वन माइनस ई टू पावर माइनस आर बाई एल आर बाई एल टी। अब ये बोल रहा है करंट मैक्सिमम का 1/4 ऑफ फोर्स एम है, तो ये पास इज 1/4 टू मैक्सिमम, तो मैक्सिमम आई नॉट बाई फोर ये आपके हो गया आई नॉट वन माइनस वन अपॉन ई आर बाई एल टी की वैल्यू कितनी है 4 सेकेंड। इसको रीअरेंज करें तो आई नॉट से आई नॉट कैंसिल हो गया, 1 अपॉन e टू पावर 4 आर बाई एल इक्वल्स टू ये हो गया 3/4 हो गया। इसको आप ऐसे करते हैं e टू पावर 4 आर बाई एल इक्वल्स टू 4/3, तो 4 आर बाई एल इक्वल्स टू लॉग 4/3 ये हो गया। आपको टाइम कांस्टेंट निकालना तो l बाई आर निकालना, तो l बाई आर निकालना तो l बाई आर इक्वल्स टू हो गया ये 4 अपॉन लॉग 4/3, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सीरीज रेजोनेंट एलसीआर सर्किट इफ एल इज इंक्रीज बाय 25% एंड सी डिक्रीज बाय 20% देन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी विल बी। देखो आपको यहां पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है 1 अपॉन 2 पाई, आप इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 पाई रूट एल सी, ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं यहां पर इसको जो फ्रीक्वेंसी है उसको 25% करता हूं, तो f इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई, तो ये आपके 1 अपॉन l इंक्रीज बाय, तो ये आपका हो गया 1.25l मल्टीप्लाई बाय सी, मैंने डिक्रीज किया 20% से यानी कि 0.8 सी। इसको सोल्व करेंगे तो वही यही वैल्यू आएगी, तो एफ डैश जो होगी वो एफ के इक्वल ही होगी, दोनों इक्वल ही है, तो यहां पर रिमेंस अनचेंज रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन अल्टरनेटिंग करंट आर I equals to sin omega t and E equals to 100 cos omega t respectively. RMS value of voltless current in the circuit. तो voltless current की जो RMS value होती है I RMS sin phi होती है voltless current. अब यहाँ पर sin phi, तो I RMS की value आप देखेंगे तो I RMS होता है I naught by root 2. Sin phi, तो sin phi आप देखेंगे तो दोनों में जो phase difference है वो pi by 2 का है, तो ये साइन पाई बाई टू, कोस कर्व जो होता है साइन से पाई बाई टू फेज आगे होता है, तो साइन पाई बाई टू, और आई नॉट की वैल्यू कितनी 1 है, साइन पाई बाई टू 1 हो गया, तो ये 1/√2 आ गया, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दिस इक्वेशन एर एक्स इन मीटर एंड टी इन सेकेंड। आपको बताना ये इलेक्ट्रॉन जो मैग्नेटिक वेव है ये किस नेचर की है, तो भाई यहां पर आप इसके नेचर देखें तो ये जो है इसका के की वैल्यू है, तो इसकी हम वेवलेंथ फाइंड आउट करेंगे, तो के इक्वल्स टू होता है 2π/λ, के की वैल्यू है 0.5 × 10³ इक्वल्स टू 2π/λ, तो लेमडा इक्वल्स टू आ रहा है 2π/0.5 × 10³, तो ये जो रेंज आएगी ये रेंज आती है आपकी माइक्रोवेव्स मींस सूक्ष्म तरंगों की रेंज आती है, तो ये आपका यहाँ पर भाई पेपर का डिस्कशन ओवर होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा। थैंक यू।